Hello students, welcome back to your own learning platform Vedika Commerce Classes. Today we are going to solve a full-fledged question of final account with adjustment. ठीक है, मेरी बुक के अंदर ये क्वेश्चन नंबर 7 है, 2018 एडिशन है. आपकी बुक के अंदर ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, नहीं तो आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, उससे हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हमारी फर्स्ट एंट्री क्या आती है, ये इस तरफ हमारी टू साइड एंट्रीज होंगी. तो टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक हमें कितना दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक हमें 45,000 रुपीज का दिया हुआ है, नोट कर देंगे. नेक्स्ट एंट्री क्या होती है ट्रेडिंग अकाउंट की, परचेज. तो नेक्स्ट एंट्री हम क्या करेंगे, टू परचेज अकाउंट. अब परचेज के अंदर हमें कितने की परचेज दी हुई है, क्वेश्चन के अंदर 2,95,000 की हमने परचेज की है ड्यूरिंग द ईयर. इसको हमने अंदर क्यों लिखा है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में परचेज रिटर्न भी दी हुई है, तो माइनस क्या कर देंगे हम, परचेज रिटर्न. कितने की परचेज रिटर्न हुई है, 4,000 रुपीज की हमारी परचेज रिटर्न हुई है. तो टोटल परचेज कितने की हो गई, 2,91,000 की हमारी परचेज हो गई. ठीक है, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जो डायरेक्ट एक्सपेंस है दैट इज वेजेस, और वेजेस हमें कितने दे रखे हैं, 2,40,000. और वेजेस के साथ में हमें एक एडजस्टमेंट भी दी गई है, आउटस्टैंडिंग वेजेस ऑफ 5,000 रुपीज. तो अगेन हम इसको अंदर लिखेंगे और उसमें आउटस्टैंडिंग वेजेस प्लस कर देंगे, 5,000 के हमारे आउटस्टैंडिंग वेजेस हैं. तो टोटल वेजेस हमारे कितने हो गए, 45,000. ठीक है, अब हमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस और नहीं दे रखे हैं, हमें सेल्स दी हुई है. तो सेल्स किस साइड रिकॉर्ड करते हैं, बाय साइड में. तो बाय सेल्स, और बाय सेल्स हमारी कितनी है, 4,35,000 की सेल हुई है ऑर्गेनाइजेशन में ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल के अंदर. और अंदर हमने इसलिए लिखा है क्योंकि कुछ सेल्स रिटर्न भी है, कुछ सामान हमारा वापस भी आ गया है. तो अगेन हम सेल्स रिटर्न माइनस कर देंगे एंड दैट इज ऑफ 7,000 रुपीज. 7,000 का सामान हमारा वापस आ गया है. तो हमारे पास टोटल सेल कितनी बची, 4,28,000 रुपीज की हमारी टोटल सेल हुई ड्यूरिंग द ईयर. डन. अब हम नेक्स्ट आइटम कौन सा लिखते हैं, बाय क्लोजिंग स्टॉक. और क्लोजिंग स्टॉक कितने का दिया है क्वेश्चन में, दैट इज ऑफ 75,000 रुपए का एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है. ठीक है, तो इससे ज्यादा हमारे पास ट्रेडिंग के आइटम नहीं है, तो इसको बैलेंस कर देते हैं. अब सेल साइड का टोटल हमारा कितना आ रहा है, 5,03,000 रुपीज हमारा टोटल आ रहा है. वही हम इस साइड भी लिख देंगे क्योंकि इस साइड का टोटल कम है. इसको जब हम टोटल करते हैं तो हमारे पास 3,81,000 आता है. ठीक है, अब 5,03,000 में से 3,81,000 हम माइनस कर देंगे तो हम 1,22,000 रुपीज का हमारे पास बैलेंस आता है. और इस बैलेंस को हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट. ठीक है, तो किस नाम से एंट्री करेंगे इसकी, टू ग्रॉस प्रॉफिट. अब हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 1,22,000. ठीक है, अब क्या करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करने से पहले, जैसे ही हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करते हैं वैसे ही सबसे पहले हम अपने ग्रॉस प्रॉफिट को अपोजिट साइड में एंटर करते हैं. तो अपोजिट साइड में, अब ये पहले टू साइड था, अब क्या हो गया ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बाय ग्रॉस प्रॉफिट. इसको हम बाय साइड में नोट कर देंगे, कितना, 1,22,000. फाइन, हमने इसको यहां पे रिकॉर्ड कर दिया. डन. अब यहां पे हमने बाय साइड में हमें ऑर्गेनाइजेशन की सारी इनकम रिकॉर्ड करनी है और टू साइड में हमें ऑर्गेनाइजेशन के बाकी सारे एक्सपेंसेस नोट करने हैं. फैक्ट्री के एक्सपेंसेस तो हम ऊपर लिख चुके हैं, अब फैक्ट्री के अलावा जो जो एक्सपेंसेस
ऑर्गेनाइजेशन ने बियर किए हैं वो हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हम एक्सपेंसेस या इनकम नोट नहीं करेंगे, इसके बाद तो हम बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट में तो सिर्फ लाइबिलिटी और एसेट्स ही रिकॉर्ड होती है, वहां पे कोई एक्सपेंस या इनकम रिकॉर्ड नहीं होगा, फाइन। तो अब बचे हुए जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जितनी भी इनकम है, सबको हम टू साइड और बाय साइड रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में हम सबसे पहले एडजस्टमेंट्स को देख लेते हैं। एडजस्टमेंट के अंदर कौन से एक्सपेंसेस, कौन से आउटस्टैंडिंग, कौन सी चीजें हैं जो हमारी यहाँ पे शो होनी है, जिससे कि कोई एंट्री हमारी छूट ना जाए, ठीक है। तो हम वन बाय वन पहले एडजस्टमेंट को रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसके बाद में हम अपने ट्रायल बैलेंस को चेक कर लेंगे। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन, तो हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे टू डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन में हमारे पास दो चीजें दी गई हैं, मशीन एट द रेट ऑफ 10% एंड फर्नीचर एट द रेट ऑफ 20%, ठीक है। तो मशीन हमारी 24,000 की थी, तो उस पे 10% डेप्रिसिएशन कितना होगा 2400 का, और फर्नीचर हमारा 1500 का था, उस पे 20% अमाउंट कितना होगा 300, तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना आ गया हमारा 2700 रुपीज का हमारा टोटल डेप्रिसिएशन हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे चलते हैं, दैट इज सैलरी आउटस्टैंडिंग, वेजेस आउटस्टैंडिंग एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग। वेजेस आउटस्टैंडिंग तो हम ऊपर रिकॉर्ड कर चुके हैं, क्योंकि वेजेस वहीं पे आना था, यहाँ पे सैलरी आती है, तो सैलरी के आउटस्टैंडिंग एडजस्ट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी टू सैलरी, और सैलरी हमारी कितनी है 24,000 की सैलरी है, और सैलरी आउटस्टैंडिंग कितनी है 2000 रुपीज की सैलरी आउटस्टैंडिंग है, और एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग प्लस हो जाता है, 24 तो पे कर दिए, 2000 और पे करने हैं, मतलब टोटल पूरे साल का टोटल सैलरी पेमेंट कितनी होगी। अब नेक्स्ट बैड डेट्स, अब डेटर्स दे रखे हैं और हमें बोला गया है फर्दर बैड डेट्स 5000, देन उसमें हमें 5% का प्रोविजन भी बनाना है, देन 2% का डिस्काउंट ऑन डेटर्स के लिए रिजर्व भी बनाना है। तो इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए एक सेपरेट क्लास वीडियो अपलोड की गई है, अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार देख लेना। अभी मैं इसी साइड कैलकुलेट कर लेती हूँ, उसके बाद में ये डिलीट कर देंगे। तो हमारे जो डेटर्स हैं दैट इज ऑफ 40,000, ठीक है, उसमें से फर्दर बैड डेट, हमारे बैड डेट ट्रायल बैलेंस के अंदर भी दिए गए हैं 1000, वो नहीं लेने हैं। हमारे पास जो फर्दर बैड डेट एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिए गए सिर्फ उनको लेना है। तो हम क्या करेंगे, माइनस फर्दर बैड डेट 5000, तो हमारे पास कितने बचे डेटर्स 35,000, और 35,000 में से अब हमें प्रोविजन बनाना है, तो हमारे पास क्या होगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट ऑफ 5%, तो 35,000 का 5.750, ठीक है। जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी 33,250 रुपीज। अब 33,250 बचे हैं, उसका 2% हम डिस्काउंट ऑन डेटर्स बनाएंगे, तो हमारे पास डिस्काउंट ऑन डेटर्स कितना रहेगा 33,250 का 2% एंड दैट कम्स 665, ठीक है। उसके बाद जो बचेगा वो हमारे फाइनली डेटर्स होंगे, और वो हमें अपनी बैलेंस शीट में नोट करने हैं। तो डेटर्स कितने बचेंगे हमारे 32,585, इसको आप नोट कर लेना, क्योंकि मैं इसको रब कर दूंगी, अभी हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, ये तो बाद की एंट्री हमारी, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे क्या रिकॉर्ड करेंगे टू बैड डेट्स, ठीक है। अब बैड डेट्स हमारे क्या थे, बैड डेट्स थे हमारे ऑलरेडी 1000 का लॉस ऑलरेडी दिखा रखा है, 1000 डेटर्स ने क्लियर मना कर रखा है, ठीक है। अब उसमें फर्दर 5000 के डेटर्स ने फिर से मना कर दिया, ठीक है, तो 6000 के डेटर्स ने हमें मना कर दिया, 6000 का हमें सीधे सीधे लॉस हो गया, प्लस हमने प्रोविजन बनाया है कितने का 175
50 का, ठीक है, प्लस प्रोविजन के बाद में हमने रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स भी बनाया है, कितने का, 665। एक एक करके टू बैड डेट प्लस फर्दर बैड डेट प्लस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स प्लस डिस्काउंट ऑन डेटर्स, इस तरह से करके हम यहाँ पे एंट्री दिखाते हैं और इसका टोटल अमाउंट हम यहाँ पे शो कर देंगे, दैट कम्स 8,450। डन, अब बस, अब इसके बाद हमारे पास कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो अब हम अपने ट्रायल बैलेंस में ढूंढते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्या क्या आइटम्स हैं जो हमें यहाँ पे पुट करने हैं, ठीक है। जब हम अपने ट्रायल बैलेंस को वन बाय वन देखते हैं तो हमारे पास आइटम आता है रेंट, टू रेंट, रेंट तो ये पे शो करना है और रेंट में कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे, 5,000 रुपीज का रेंट पे किया है। देन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस 6,000 के हैं, तो टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस 6,000 मेंशन कर देंगे। इंश्योरेंस है 1,500 का, इंश्योरेंस कराया है और इंश्योरेंस में आपको कुछ भी नहीं लिखा गया है कि ये डेबिट है या क्रेडिट है, तो आप उसको डेबिट मान के चलते हो, एक्सपेंस मान के चलते हो, दैट इज 1,500। जब हमें किसी आइटम का प्लेस नहीं बताया गया होता कि ये डेबिट है या क्रेडिट है, कई बार ब्रैकेट में करके क्रेडिट या डेबिट लिख देते हैं, कमीशन के साथ भी कई बार होती है ये चीजें, तो जब तक लिखा हुआ नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है, तब तक आप उसको एक्सपेंस ही मान के चलते हो और डेबिट साइड में ही शो करते हो, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री इज ट्रेड एक्सपेंसेस 2,000, तो हमारे पास टू ट्रेड एक्सपेंसेस 2,000 रुपीज के ट्रेड एक्सपेंसेस बियर किए हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एंट्री नहीं बची है, एक्सपेंस नहीं बचा है, लेकिन हमारे पास कुछ रिसीट्स दे रखी है, मिसलेनियस रिसीट्स भी दे रखी है और इन्वेस्टमेंट के साथ इंटरेस्ट भी दे रखा है। एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या थी, इंटरेस्ट जो भी इन्वेस्टमेंट थी 50,000 की, उस 50,000 पे 6% का पर एनम इंटरेस्ट मिलना है और वो इन्वेस्टमेंट हमने कब खरीदी है, 1 जुलाई को, तो जुलाई से लेके मार्च तक का इंटरेस्ट बनता है ना, एक्रूड इनकम जो मिली नहीं है, मिलेगी, है ना, अभी तक मिला नहीं है इंटरेस्ट, तो वो हमारी इनकम है, एक्रूड इनकम है और एक्रूड इनकम को तो हम यहाँ पे दिखाते हैं, ठीक है। तो बाय एक्रूड इनकम कर सकते हो, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट करके कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। कितना बनता है 9 मंथ्स का, 50,000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट 6% पर एनम के लिए और 9 मंथ्स के लिए, जब आप कैलकुलेट करोगे तो अमाउंट आएगा 2,250। इतना इंटरेस्ट एक्रूड है, मिला नहीं है लेकिन मिलेगा, इनकम है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ मिसलेनियस रिसीट्स भी दे रखी हैं, कितने रुपए की, 1,200 रुपीज की, तो ये कुछ इनकम है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन की जो इनकम है उसको आप बाय साइड में लिख देते हो, जो खर्चे हैं वो टू साइड में लिख देते हो, इसके बाद कोई खर्चे या इनकम ट्रीट नहीं करेंगे बस, और हमें कोई ट्रायल बैलेंस में इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो अब हम इसको बैलेंस करते हैं। तो इनकम साइड का टोटल हमें ज्यादा नजर आ रहा है, लैक्स में है वैल्यूज, उसका टोटल कर लेते हैं एंड टोटल कम्स 1,25,450। अब इस साइड का टोटल कर लेते हैं, इस साइड का टोटल कितना आता है, 51,615। अब मैंने यहाँ पे टोटल करके आपको दिखाने के लिए लिखा है, आपको नहीं लिखना है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रही हूँ कि इस साइड का टोटल इतना आ रहा है और फिर हम यहाँ पे जो 125,450 लिखा था उसमें से इस वैल्यू को माइनस करेंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, 73,835। और अब क्या आया है, टू नेट प्रॉफिट, अब हमारे पास प्रॉफिट आया है, ठीक है। सारी एडजस्टमेंट
एडजस्ट करने के बाद, डेप्रिसिएशन क्लेम करने के बाद, सारे लॉस, सारी इनकम, सारे एक्सपेंसेस एडजस्ट करने के बाद में हमारे पास जो बैलेंसिंग फिगर आता है वो हमारा प्रॉफिट बोला जाता है। जब हमारी इनकम ज्यादा थी और एक्सपेंसेस कम थे तब, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट आ गया। अब हम बैलेंस शीट की तरफ चलते हैं। अब बैलेंस शीट में लायबिलिटी में सबसे पहला आइटम क्या लिखते हैं? कैपिटल। और कैपिटल कितना था हमारे ऑर्गेनाइजेशन का? 1,20,000 कैपिटल था। अब क्या करते हैं, इसमें हम अपना नेट प्रॉफिट प्लस कर देते हैं और नेट प्रॉफिट कितना आया था? 73,835, ठीक है। देन हमारी कुछ ड्रॉइंग्स दी गई हैं। अब ड्रॉइंग्स हमारी कितनी थी? 21,000 की हमारी ड्रॉइंग्स थी, मतलब ओनर ने 21,000 रुपीज निकाल लिए थे। इन तीनों की एडजस्टमेंट के बाद हमारे क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू आती है जो हम यहाँ पे लिखते हैं, और वैल्यू कितनी आएगी? 1,72,835 रुपीज हमारी क्लोजिंग कैपिटल आ गई, ठीक है। 1,20,000 से तो उसने बिजनेस स्टार्ट किया था, 73,835 का उसको बीच में प्रॉफिट हो गया, नेट प्रॉफिट हो गया, और उसमें से 21,000 उसने निकाल भी लिए। तो फाइनली ऑर्गेनाइजेशन के पास कितनी कैपिटल बची? दैट इज 1,72,835। फाइन। नेक्स्ट हमारी जो लायबिलिटी होती है दैट इज क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स कितने हैं? 19,000 रुपीज के क्रेडिटर्स हैं जिनसे ऑर्गेनाइजेशन ने सामान खरीदा हुआ है, 19,000 अभी पे करने हैं, फाइन। नेक्स्ट बिल्स पेबल, ऑर्गेनाइजेशन ने बिल्स पेबल के अकॉर्डिंग कुछ सामान खरीदा हुआ है, मतलब उसे कैश नहीं दिया, उसको प्रॉमिस कर रखा है कि इस डेट को मैं पेमेंट कर दूंगा, 800 रुपीज के बिल्स इश्यू कर रखे हैं। देन हमारे कुछ आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरी भी है। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस और सैलरी 5,000 के तो वेजेस आउटस्टैंडिंग थे, 2,000 की सैलरी आउटस्टैंडिंग थी, टोटल कितना हुआ? अब आउटस्टैंडिंग है तो लाइबिलिटी है ना, 7,000, फाइन। अब लाइबिलिटी का आइटम हमें क्वेश्चन के अंदर नहीं नजर आ रहा है, अब हम एसेट साइड चलते हैं। एसेट में जो एडजस्टमेंट थी पहले उनको कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या था? फर्स्ट इज फर्नीचर। अब फर्नीचर कितने का था? 1,500 का था, उसमें से 300 डेप्रिशिएट हो गए, है ना। तो कितने का बचा एट द एंड ऑफ बैलेंस शीट? 1,200 रुपीज का अब फर्नीचर बचा है एट द एंड। नेक्स्ट हमारे पास मशीन, प्लांट एंड मशीन कितने की दे रखी है? 24,000 की, उसमें से 10% डेप्रिशिएट हो गया था, तो कितनी वैल्यू बची? 21,600। नेक्स्ट हमारे डेटर्स। अब डेटर्स कितने के बचे थे लास्ट में? हमने कैलकुलेट किया था ना, तो कितने के बचे थे? 40,000 के थे, उसमें से 5,000 के बैड डेट माइनस हो गए थे, फर्दर वाले, सिर्फ फर्दर वाले एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिए गए थे, वो 1,000 तो ट्रायल बैलेंस के अंदर थे, उनको नहीं लेंगे, सिर्फ 5,000 जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिए हैं उनको लेंगे, ठीक है। माइनस हमने प्रोविजन बनाया था 1,750 का, माइनस हमने 665 का रिजर्व मेंटेन किया था फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, वो सारी चीजें हम यहां से माइनस करेंगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन वाली, ठीक है। फाइनली हमारे डेटर्स कितने बचेंगे? 32,585 के। हमारे डेटर्स स्टार्टिंग में कितने थे? 40,000, और फाइनली बैलेंस शीट क्लोज होते होते कितने बचे? 32,585। अब हमारे पास इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट कितने की थी? 50,000 की इन्वेस्टमेंट थी, और उसपे कुछ इंटरेस्ट भी तो एक्रू हो रहा है ना, जो अभी तक मिला नहीं है, तो वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। इनकम है हमारी कितने की थी? 2,250 रुपीज की हमारी इनकम इंटरेस्ट की फॉर्म में एक्रूड हो रही थी, तो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट कितने की हो गई? 52,250 की इन्वेस्टमेंट हो गई।
ठीक है। नेक्स्ट कैश हमारे पास अवेलेबल है 12,200 का। पेटेंट्स भी हमें दिए गए हैं, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, तो ये हमारे गुडविल, ये सब हमारे एसेट ही होते हैं। 4,800 के हमें पेटेंट्स दिए गए हैं। एंड क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में दिया था, दो बार रिकॉर्ड करना है, एक बार तो ट्रेडिंग अकाउंट में किया था और दूसरी बार हम यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक कितने का था, 75,000 का हमारा क्लोजिंग स्टॉक था। फाइन, अब हम दोनों साइड को टोटल करेंगे और हमारी दोनों साइड का टोटल सेम आना चाहिए। अगर सेम नहीं आया तो कहीं ना कहीं हमारी मिस्टेक हुई है। तो हम जब टोटल करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 1,99,635। लेट्स सी एसेट साइड की भी इतनी आती है क्या? यस, एसेट साइड की वैल्यू भी हमारी 1,99,635 रुपीज आती है। इसका मतलब हमारी बैलेंस शीट मैच हो गई, हमारा क्वेश्चन सही है। तो एडजस्टमेंट को किस तरह से एडजस्ट किया जाता है, फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन को एडजस्टमेंट के साथ किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, होपफुली आपको समझ आया होगा। फॉर मोर कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।